इस वीडियो में हम बात करेंगे आप किसी भी नंबर की कॉल डिटेल्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जियो का कोई भी सिम कार्ड है यानी कि जियो का कोई भी नंबर है और अगर आप उसका कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जियो टेलीकॉम कंपनी ने आपको एक फीचर दे रखा है जिसकी हेल्प से आप आसानी पूर्वक कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। यह एक फीचर है, कोई भी हैकिंग का तरीका नहीं है और इस वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखिएगा क्योंकि यह फीचर आपको कभी ना कभी काम आएगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जियो के किसी भी नंबर के कॉल डिटेल्स निकालने के लिए आपको अपने फोन में एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल, आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए माई जियो, तो आपके सामने इस तरीके से एक एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो देखिए, मेरा इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है, जिसका भी आप कॉल डिटेल्स यानी जिस भी नंबर का आप कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं, आप यहां पर उस नंबर को डाल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद एक ओटीपी आएगा और ऑटोमेटिक उस ओटीपी को डिटेक्ट भी कर लिया जाएगा, तो आप इसको प्रोसीड कर दीजिए और अलाउ कर दीजिए, ठीक है ना। परमिशन आप अलाउ कर दीजिए। तो सारा प्रोसेस करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप जिस भी अकाउंट का यानी जिस भी मोबाइल नंबर का कॉल हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, आप यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को लिंक कर लीजिए और आप उसका कॉल डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिंक करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ, कैसे आपको लिंक करना है। जब आप जियो ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्विच अकाउंट का, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा लिंक न्यू अकाउंट, तो आप लिंक न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। जैसा कि देखिए मैंने ऑलरेडी लिंक कर रखा है, तो आप लिंक न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बोला जाएगा चूज अनदर सर्विस टू एड, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मोबाइल पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उस मोबाइल नंबर को इनपुट कीजिए जिसका आप कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हैं। मैं अगेन रिपीट कर दूं, यह एक फीचर है जियो का, कोई भी हैकिंग का मेथड नहीं है, ठीक है। इसको आप कभी भी जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको डाल करके यहाँ पर सबमिट करना होगा, तब जाकर के आप कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट लिंक कर लेंगे, उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एक ऑप्शन आपको दिखेगा माय यूजेज, इस पर आपको क्लिक करना है। तो माय यूजेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है और अलाउ कर देना है, यानी परमिशन दे देना है। अब देखिए ऊपर में आपका नंबर दिखेगा और साथ ही नीचे में दिखेगा डाटा कॉल्स SMS, आप कॉल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सबसे नीचे आइएगा, एक ऑप्शन आपको दिखेगा डू यू वांट टू व्यू डिटेल्ड यूजेज स्टेटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर आपको बोला जाएगा पीरियड सेलेक्ट करने के लिए, यानी टाइम सेलेक्ट करने के लिए कितने दिनों का आप कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हैं, कॉल हिस्ट्री देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया, साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप लास्ट 180 डेज का जो कॉल डिटेल्स है, हिस्ट्री है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 महीने का कॉल हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, या फिर कस्टम डेट पर क्लिक करके आप एक डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा कब से कब तक का आप निकालना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल 30 डेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे है 3 ऑप्शन, ईमेल स्टेटमेंट, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो कॉल हिस्ट्री है वो मेरे ईमेल पर आ जाए तो आप ईमेल स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना स्टेटमेंट को तो सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप सिर्फ व्यू करना चाहते हैं यानी कि कॉल हिस्ट्री सिर्फ देखना चाहते हैं एक बार, तो आप यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करना है यहाँ पर।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस लिया जाएगा और आपके सामने इस तरीके से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे माई बिल्स, प्लान डिटेल्स, यूजेज चार्जेज और समरी। तो आपको करना क्या है, सिंपल यूजेज चार्जेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा, वॉयस और SMS का ऑप्शन दिखेगा, आपको वॉयस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका सारा कॉल डिटेल्स निकल करके आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 21 तारीख का सारा कॉल डिटेल्स है और किस किस नंबर पर बात हुआ है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इतना ही नहीं, इस पर क्लिक करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस नंबर पर कितनी देर बात हुई है इस पार्टिकुलर डेट को। यहाँ पर देखिए 56 सेकेंड इस पार्टिकुलर नंबर पर बात किया गया है 21 तारीख को और 2:30:12 पर, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये 9 मई है, 9 मई को इस नंबर पर बात हुई है और 2:06:02 पर हुआ है बात, और इस पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कितना सेकेंड आपने बात किया है। तो यहाँ पर देखिए 101 सेकेंड मैंने बात किया है, इसको आप मिनट में कैलकुलेट करके भी पता कर सकते हैं कितना मिनट बात किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये जो सारा कॉल डिटेल्स आपको दिख रहा है मैंने फिलहाल के लिए ब्लर कर रखा है। तो यहाँ पर इस नंबर से, जो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर से इन सारे नंबर पर कितनी कितनी देर बातें हुई है वो सारा कॉल डिटेल्स निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दूर बैठे किसी का भी कॉल डिटेल्स चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर उस नंबर को लिंक करना होगा माई जियो ऐप में, जिस नंबर का आप कॉल हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, और जब लिंक हो जाएगा तो इसी तरीके से यहाँ पर वह नंबर भी दिखेगा और उस नंबर से जहां जहां जिस जिस नंबर पर जिस जिस डेट को बात हुई है और जितनी देर बात हुई है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा लास्ट 6 मंथ का, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटी सी प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी पूर्वक माई जियो ऐप में जाकर के किसी भी जियो नंबर की कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसका आप लोग मिस यूज मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग जियो के किसी भी नंबर का कॉल डिटेल्स आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं और यह आपको बहुत ज्यादा इन फ्यूचर काम भी आएगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है या फिर आपको कॉल हिस्ट्री निकालने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।